और ये भी बता दीजिए मुझे कौन सी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन हमारा चल रहा था। ओके ओके बेटा, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं। इंफॉर्मेशन क्या, उन लोगों के लिए ये आदेश है, ऑर्डर है कि आप सभी अपना वीडियो विजिबल रखेंगे, अदरवाइज आप लोगों को क्लास से आउट कर दिया जाएगा, आप क्लास नहीं ले पाएंगे। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, वन टाइम बोल रहा हूँ, उसके बाद में बिना किसी प्रिकेशन के, बिना बताए मैं आपको क्लास से आउट कर दूंगा इधर से, ठीक है। सभी बच्चे जो भी वीडियो ज्वाइन कर रहा है वो अपनी वीडियो विजिबल रखेगा बेटा। ओके नाइस। टू टाइम बोलने की जरूरत ना पड़े, वन टाइम बोल रहा हूं, वीडियो विजिबल मतलब विजिबल रखना है, कोई भी कैमरा ऑफ नहीं रखेगा, वरना मेरे क्लास की स्टार्टिंग में समझे जो बच्चे वीडियो विजिबल नहीं कर रहे हैं उनको बाहर निकालना पड़ेगा। चलिए बेटा बताइए कौन सा क्वेश्चन करना था मैं, एक्सरसाइज 2.3.5 का कौन सा क्वेश्चन था, एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। फिर तो हो गया था क्या, फिर तो हो गया था हमारा। सिक्स क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, नाउ स्टेट द फॉलोइंग रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन है बेटे, 729 के पहले क्या करो बेटे, प्राइम फैक्टर्स करो, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 तो करते हैं बेटा, सीधी सी बात है बेटा, इसमें 2 का डिवाइड तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 के डिवाइड के लिए लास्ट में 0 और 2 4 6 8 होना चाहिए था, इसमें कोई भी नहीं है। 3 के लिए इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, इनका सम कितना आता है बेटे, 1 और 7 8, 8 और 2 9, 9 और सॉरी 8 और 2 10 और 10 और 9 19 हो गया, तो 3 से भी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट 5 आती है, 5 से भी नहीं होगा, 5 के लिए लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 7 पे जाता है कि नहीं, देख लेते हैं, 7 पे जो 14 3 बच गए, 7 4 से 28 बच गए 5, 7 59 में भी 7 का नहीं जाता, 8 का देने की जरूरत नहीं है, 9 का भी नहीं, 10 का भी नहीं, 11 का देखते हैं। 11 में 6 बच जाएंगे, 62 हो गए, 11 का जो 55 7 बच गए, 11 का भी नहीं जा रहा बेटा। 12 का तो जाएगा नहीं, 13 का देखते हैं बेटा, 13 के 4 हो जाएंगे, 13 59 की 13 के डिविजिबल है, 13 का डिवाइड 17 में देंगे तो 1 टाइम बच गई 4। अब 32 एंड 42 में दो तो 33 या 39, फिर बच गई 5, ओ से 3 बचेगा, तो ये 39 हो गया, और 30 में डिवाइड 39 में दोगे 3 टाइम, ठीक है बच्चों। अब वापस 133 में किसका डिवाइड आता है बच्चे, चेक करो, किसी का नहीं जाता बेटे, एक बार चेक कर रही हूँ किसका डिवाइड जाता है, 2 को जाएगा नहीं, 3 के लिए हम चेक करते हैं, 3 को जाए 12 और बचा रहा 13 नहीं जा रहा, 7 का देखते हैं, 7 में बचे 7 बच गए 6, 7 का कंप्लीट नहीं जा रहा बेटा, 7 बच जा तो फिर इसमें भी 7 का जाना चाहिए था, नहीं जाएगा 7, 13 का नहीं जाएगा, फिर 17 का देखते हैं बेटे, 17 सीजा 102 17 से 119 17 8 से 136 नहीं जा रहा है, 19 का देखो बेटे, 94 दिया 95 दिया 95 19 सीजा 114 19 7 जा 133 वेरी गुड,
इसमें 6 का भी देना चाहिए ना, 19 7 133 7 का देंगे मल्टीप्लाई। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटे, 7 × 9 × 13। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, बिकॉज़ उसमें काफी टाइम लगा है और फिर भी अगर आंसर में प्रॉब्लम आए तो फिर क्या फायदा। तो बेटे 13 का डिवाइड देते हैं 17 में, तो 13 वन टाइम किया तो 4 बच जाएंगे। देखो 17 29 में 13 का डिवाइड देखो, 13 वन 30 बच गए 4। अब 2 तारीख बेटा तो 42 हो गए, 13 3 39 बच गए 3। अब 9 तारीख 39 हो गए, 13 3 39 तो 133 आ गया। अब 133 में 19 का दे दो बेटा, 19 का इसमें दोगे 7 टाइम जाएगा, 19 7 133 होता है। कैसे 9 7 63 का 36 कैरी, 9 1 9 और सॉरी 7 1 7 और 6 30 कितना है 133। 7 टाइम किया 7 में 7 का दोगे 1 टाइम। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था बेटे तो मैंने बस असेंडिंग में लिखा है, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उसके बाद में सबसे बड़ा। किसकी वैल्यू बेटे 1729 की वैल्यू, बात समझ में आएगी। अब इस केस में क्या पूछा था बेटे, फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज द इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन देम, इनके बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है बेटा? यस, इनके बीच में रिलेशन ये है कि 7 में 6 ऐड किया 13 आएंगे, 13 में 6 ऐड किया 19 आएंगे, ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हैं 7 के बाद में जो नेक्स्ट नंबर 13 आ रहा है उसके बीच में प्राइम नंबर कितनी है 1, ठीक है। फिर 13 के बाद में 19 आ रही है उसमें भी प्राइम नंबर बीच में कौन सी आती है 1, कौन सी 17। देखो 13 और 7 के बीच में 11 प्राइम नंबर आ रही है और 13 और 19 के बीच में 17 जो है वो प्राइम नंबर आ रही है। तो या तो आप कह सकते हो इनके बीच में सिंगल सिंगल प्राइम नंबर ड्रॉप हो रही है, या फिर आप कह सकते हो नेक्स्ट जो नंबर है वो प्रीवियस नंबर में 6 प्लस करने पर आ गया, ठीक है। देयरफॉर ऑल प्राइम फैक्टर्स हैव डिफरेंस ऑफ 6 इनके सभी के बीच में कितने का डिफरेंस है बेटे 6 का डिफरेंस है, समझ गए। देखो 7 में 6 ऐड करोगे 13 आएंगे, 13 में 6 ऐड करोगे 19, कहने का मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कितना है बेटे 6 है। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप करो, अगर रिपीट करना है तो रिपीट लिख दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों,
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन है, वन और क्वेश्चन आपको देता हूं। व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 1331 एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम, बिटवीन ऑल फैक्टर्स। जल्दी बताओ बेटा, 1331 एक नंबर है, उसके प्राइम फैक्टर कर रहे हैं आपको, और फिर ये बताना है उसके फैक्टर्स के बीच में रिलेशन क्या है। डू इट फास्ट, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन। काफी बच्चे हैं वो इधर उधर ताक रहे हैं, आपको क्वेश्चन नहीं करना क्या? डू इट, चलो करते हैं बेटे। 1331 जो है उसमें हम देख रहे हैं ना तो टू का जा रहा है ना थ्री का, ना फोर का, ना फाइव, सीधे 11 पे डिवाइड जाएगा। 11 में 11 बच गए, 2 11 को जो 22 बच गया, बाद 11 में 11 फिर 11 का देंगे बेटा, 11 में 11 फिर 1 बच गए, 11 में 11 फिर 11 पे डिवाइड देंगे 1 टाइम किया। तो इसके प्राइम जो फैक्टर्स आ रहे हैं 33 के जो प्राइम फैक्टर आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, 11 × 11 × 11। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है बेटे, ऑल प्राइम फैक्टर्स आर सेम। क्या है बेटे, ये रिलेशन हो गया। तो ऐसे आपको कोई भी फैक्टर करोगे किसी के भी, तो उनके बीच में आपको रिलेशन दिख जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ गए बेटा, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो थम्स अप कर दो एक बार। तो सभी प्राइम फैक्टर सेम है ना, तो हमने ये लिखा है ऑल प्राइम फैक्टर्स आर सेम। क्लियर बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 7 देखते हैं पहले। सेवन में क्या बच्चों, the product of three consecutive numbers is always divisible by 6। three consecutive numbers हैं, उनका जो product आ रहा है उसमें 6 का divide जाता है, ठीक है। verify this statement which with the example of with help of some example। क्वेश्चन में ये कहना चाहता है आप कोई भी three number ले लो, लेकिन regular three number लो, उनमें 6 का divide जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप क्या है मिनिमम 2 एग्जांपल ले लेना, उसके लिए चेक कर देना आपका आंसर खत्म। तो लेट 1, 2, 3 आर थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है। देन प्रोडक्ट क्या है बच्चों, इनका मल्टीप्लाई करो तीनों को एक साथ, 1 × 2 × 3 वो आया 6, इज डिविजिबल बाय 6। इसमें 6 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं, यस। अगेन
सेकंड नंबर पे लेट। अब इस बार कोई अलग तीन नंबर मान लेते हैं 7, 8, 9 आर थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ठीक है। देन प्रोडक्ट करोगे, 10 मल्टीप्लाई करो 7 × 8 × 9 कितना है बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। 7 को 8 से किया तो 7 × 8 = 56, उसको 9 से किया बच्चों 7 × 9 = 54 एंड 5 × 45 = 550 तो आ रहा 504, कितना आ रहा है 504। अब बेटा 504 में 6 का डिवाइड ज्यादा है कि नहीं चेक करो, 504 / 6 तो 6 × 8 = 48 बच गए 2, 24 हो गया, 6 × 4 = 24 बेटा इसमें कंप्लीटली 6 का डिवाइड जा रहा है तो आप लिखो गे इज डिविजिबल बाय 6। हमने 2 एग्जांपल लेंगे, इसको प्रूव कर दिया तो आप लिख दोगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। बस हो गया था, मैंने यहां पे 1, 2, 3 8, 9, 10 जो भी आप कुछ भी ले सकते हैं, इसकी जगह जरूरी नहीं है जो मैंने लिए 3 नंबर वही लो, आप कोई भी नंबर ले लेना और उसके लिए चेक करना उनमें भी 6 का डिवाइड जाएगा, समझ गए। हमें यही चीज शो करनी थी, कोई भी 3 नंबर लो लेकिन रेगुलर लो, कॉन्सिक्यूटिव को मतलब एक के बाद एक, ठीक है। तो उनके मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है ना उसमें 6 का डिवाइड जरूर जाएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने स्टार्टिंग में 1, 2, 3 लगातार 3 नंबर ले ली, उनका मल्टीप्लाई 6 आ रहा है, बताओ 6 में 6 का डिवाइड जाता है कि नहीं, बिल्कुल जाता है। ऐसे मैंने सेकंड एग्जांपल में 7, 8, 9 कहीं से भी ले ली, 7, 8, 9 रेगुलर आ रही है, इसके बाद इनका मल्टीप्लाई क्या है 504, इसमें भी 6 का डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है। तो यही तो बार क्वेश्चन में कह रहा था कि कोई भी 3 नंबर लो लेकिन रेगुलर आनी चाहिए, तो उनका मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उसमें 6 का डिवाइड जरूर जाता है, बिल्कुल बेटा जरूर जाएगा। बात समझ में आई हो तो थम्स अप करो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैं एलेक्सिस समझा रहा हूं, मिटा दो। जैसे मान लो मैंने लिया 11, 12 और 13, 3 नंबर ये ले ली, या फिर इसको थोड़ा थोड़ा छोटा ले लेते मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी, 5, 4, 5, 6 ले लिया मैंने, ठीक है बेटा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 5 × 6 तो ये देखो 120, तो 120 में 6 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं बताओ, 6 × 2 = 12 और 0 × 0 20 टाइम जा रहा है। तो हमने ये 3 रेगुलर नंबर ली, इनका जो प्रोडक्ट आया उसमें 6 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है, हमेशा जाएगा, यही तो प्रूव करना था हमें। बात समझ में आ गई तो थम्स अप कर दो बेटा। कोई भी 3 नंबर ले लो आप, उनको मल्टीप्लाई करो फिर 6 का डिवाइड जा रहा है कि नहीं ये देखो, जा रहा है तो हमारे जो लिखा है क्वेश्चन है उसमें आप मैंने लिखा है वो सही है, अगर नहीं जा रहा है तो आप कह सकते हो सर नहीं जा रहा, ठीक है ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है बच्चों, द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर इज डिविजिबल बाय 4 वेरीफाई द स्टेटमेंट। अब हमें क्या लेनी है, टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर लेनी है, ठीक है। वैसे हम टू एग्जांपल ले लेंगे लेकिन इस बार कंडीशन क्या रहेगी, दोनों ही नंबर ओड होनी चाहिए और एक के बाद एक आनी चाहिए। तो
तो आपको बता दूं ओड नंबर क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी ओड नंबर होती है इस टाइप से। तो इनमें से कोई भी टू पेयर ले लो, तो लेट 5, 7 आर टू कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं 1 और 3 भी ले सकता था, मैंने 5 और 7 उठाया, आप 9, 7 और 9 भी ले सकते थे। तो सम करो इनका, 5 प्लस 7 कितना है बच्चों, 12। अब 12 इज डिविजिबल बाय 4, बताओ 12 में 4 का डिवाइड जाता है कि नहीं जाता है, ठीक है, ओके। अगेन लेट 11 एंड 13 आर टू कॉन्सेक्यूटिव ओड नंबर्स, ठीक है। तो सम करो बेटा, 11 प्लस 13 हो गए 24। इसमें भी बेटा 4 का डिवाइड जाता है कि नहीं, यस जाता है, इज डिविजिबल बाय 4, इसमें भी 4 का जा रहा है। तो कहने का मतलब आप कोई भी रेगुलर यानी कंसेक्यूटिव ओड नंबर लेंगे तो उनके सम के अंदर भी 4 का डिवाइड जाएगा। तो देयरफॉर सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स is always divisible by 4। जिन बच्चों को समझ में आया बेटा एक बार सम सब कर दो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है बेटा, अब देखो मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं अपनी तरफ से, दूसरी तरफ से इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी ले लो टू ओड नंबर, उनको सम करके देखो, इवन आती है तो आप लिख दोगे इज इवन नंबर, जल्दी करो बेटा। बेटे माइनस नहीं करना है, हमें सम करना है, सम माइनस को डिफरेंस बोलते हैं,
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। तो आपको हो गया लेट 1.9, कोई भी ले सकते हो इस बार को, आर टू ओड नंबर्स, ठीक है। अब इनका क्या करेंगे बेटे, सम सम करोगे तो आएगा 1 + 9 यानी 10 आएगा। 10 इज एन इवन नंबर, क्या है बेटे, इवन नंबर है। अगेन लेट 3 and 13 आर टू ओड नंबर्स, कुछ भी ले सकते थे आप, बट दोनों ओड नंबर होने चाहिए। तो अब इसका सम करेंगे कितना है बच्चों, 3 + 13 क्या है बेटे, 16। 16 कैसी नंबर है, 16 इज एन इवन नंबर, कैसी नंबर है 16, इवन नंबर है। देयरफोर सम ऑफ टू ओड नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर, बस ये हमारा आंसर हो गया बेटा। जिन बच्चों को समझ में आया एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटे टू बोला मैंने, थ्री नंबर नहीं बोला, समझ गए, ओनली टू नंबर्स। अभी सही आ रहा है वीडियो, वॉइस क्लियर आ रहा है, थम्स अप कर दो बेटा। ओके ओके, तो ये बात समझ में आई कि नहीं। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, वैसे टाइम काफी वेस्ट हो गया हमारे चक्कर में, टेक्निकल इश्यू था, अब सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसके अंदर है। जो सभी फैक्टर प्राइम होंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, तो देखो फर्स्ट में लिखा है 24 = 2 × 3 × 4, सेकंड में बच्चों 56 = 7 × 2 × 2 × 2 × 2, सी में बच्चों 70 = 2 × 5 × 7, और डी है बच्चों 54 = 2 × 3 × 9। तो बेटे यहाँ पे देखो, ये सभी प्राइम नंबर है, ये सभी प्राइम नंबर है, ये भी सभी प्राइम नंबर है, तो वन में भी प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें भी प्राइम नंबर है, सभी डी प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें भी प्राइम नंबर है, सभी डी प्राइम फैक्टराइजेशन है, बट इसमें बेटा 9 को देखो आप, ये कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे लिखो हियर 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों। मैंने आपको कल भी बताया था, जब सभी फैक्टर प्राइम नंबर में होंगे तो ही हम उसको प्राइम फैक्टर्स बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको प्राइम फैक्टर्स नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, बट 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, हेयर 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, देयरफॉर दीज आर नॉट प्राइम फैक्टर्स। गिव मी थम्स अप इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटे, नोट करने का टाइम नहीं है ना। वी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10th की तरफ, इसको मैं मिटा रहा हूं बेटे। अब 10th क्वेश्चन देखते हैं,
ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। टेन क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। हमें क्या करना है, डिटरमाइन मतलब चेक करना है। टू फाइव वन वन जीरो इज डिविजिबल बाय 45। तो बेटा आप देखिए 45 को हम लिख सकते हैं 5 into 9, लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपको क्या करना है, नंबर भी चेक करना है, 5 का और 9 का डिवाइड जाता है कि नहीं। अगर 5 और 9 का डिवाइड जाता है तो इसमें 45 का भी जाएगा, और अगर 5 और 9 में किसी एक का भी नहीं जाएगा तो 45 का इसमें भी नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो 25110 इज डिविजिबल बाय 5 and 9। कैसे, 5 का तो क्यों जाएगा, बिकॉज इसके लास्ट में 0 है, और हम जानते हैं जिस नंबर के लास्ट में 0 या फिर 5 होता है उसमें 5 का डिवाइड जाता है। अब 9 के लिए क्या किया था बेटा हमने, जिस नंबर के सभी डिजिट के सम के अंदर क्या है यार